गुड आफ्टरनून। सो हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हो? कल की क्लास का कुछ फायदा मिला आप लोगों को, या ऐसे हर रोज चले आते हो पढ़ने के लिए? अब मैसेज आना शुरू हुआ है। पहले तो लोग लग रहा था मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, और जब मैं अब आया हूं तो अब मैसेज की बाढ़ आई है भाई। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं एसएससी ट्यूब पे एसोसिएटेड विथ टॉप रैंकर्स रवि, थैंक यू सो मच। बहुत फायदा हुआ उत्पल, थैंक यू। संदीप कुमार, रिकॉर्डिंग देखी थी ना भाई, मजा आया? हाँ, प्रैक्टिस तो रवि करेंगे ना धीरे धीरे। अभी तो टॉपिक एक बार हो जाए, फिर थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, है ना, तो फिर बढ़िया रहता है। मतलब यही चीज था, मेन चीज ये था कि जो कुछ भी कराया वो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, ये चीज मेन था, और वही आप लोगों को इनफैक्ट मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। चलो आते हैं, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और एक क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले मैं लिख कर देता हूं, उसको आप लोग देखिएगा। नितिन, उसको बोल दीजिए, गले में दर्द हो रहा है। हाँ यार, हाँ बढ़िया से यार। चलो भाई, सब लोगों ने ये बात कही कि बहुत मजा आया था, तो आज इस मजे को दुगुना करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आप लोग आज भी बहुत सारी नई चीज सीखने वाले हो। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैं कराने वाला हूं, और ये चीज आप लोगों को आना चाहिए भाई, है ना। ये आएगा तभी आगे कुछ काम हो पाएगा। विच लेटर विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ, यस आई एम गिविंग क्वेश्चन मार्क, 12, 6, 6, 9, 18 एंड 45। प्लीज डोंट कंसिडर दिस वन एज अ पॉइंट, इट्स अ कॉमा। सो 12, 6, 6, 9, 18 एंड 45, वर्ड शुड बी the next number, and here I am telling you the process to find out the answer, and make sure after today you can make any question comfortably. So yes, please look here, first question I am doing, and then after you you will have to try. यहाँ पे सब लोग देखोगे भाई, देखो कभी भी question में first letter first number का हाफ आपको दो बार दिख जाए। कभी भी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का हाफ दो बार दिख जाए तो उस सीक्वेंस में सर की बात याद रखना, 0.5 से मल्टीप्लीकेशन शुरू होगा और आगे इसी ऑर्डर में कंटिन्यू होता चला जाएगा। यानी 0.5 के बाद 1, देन आफ्टर 1.5, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 2.5, देन 3 एंड सो ऑन। सो मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चन के आंसर को बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कभी भी पहली संख्या का हाफ दो बार अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो उस क्वेश्चन में बस आपको 0.5 से मल्टीप्लाई शुरू कर देना है। यानी 12 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा,
9 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा, 18 में 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 होगा। अब आगे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 135, और यही आपका राइट। क्लियर? क्लियर हुआ? यानी इस क्वेश्चन के लिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को बनाना होगा। तो ये प्रोसेस आप लोग क्वेश्चन में याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लीजिए और इस बार सब लोग बनाएंगे आंसर। 24, 12, 12, 18, 36, 90, नेक्स्ट बताना है। जल्दी से बोलो भाई सब लोग, पूरी क्लास का आंसर इस बार आना चाहिए, पूरी क्लास। पिछली बार दो तीन लोग थे। ऑल स्टूडेंट वेटिंग फॉर योर आंसर, इस बार पूरा धूम होनी चाहिए भाई तुम्हारे आंसर में, एक एक बच्चे का आना चाहिए। एक एक स्टूडेंट का दिखना चाहिए मुझे। अरे एक ही बच्चा दो दो बार मत भेजो, आंसर तो दिख ही रहा है, सबको आंसर भेजने दो। अनन्या तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में तुमने गलती कर दी, मल्टीप्लाई तुम्हारा गलत हो गया। अब 24 में 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, देन 2.5, देन आफ्टर 3 होगा। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 270 यहां पर बनेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। सो यस, 270 इज द राइट आंसर, और दिस इज, यही आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट है? आया समझ में सबको? आया समझ में? क्लियर है ये वाला पार्ट? चलिए ये भी आप सीख गए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगला प्रकार देखिएगा, नेक्स्ट बताना है। अब इस क्वेश्चन में जब संख्याओं के बीच बहुत बड़े बड़े अंतर ना दिखे, संख्याओं के बीच जब बहुत बड़े बड़े अंतर ना दिखे, तो क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, यहां पे 4, यहां पर 8, यहां पे 16, यहां पर 32। अब क्वेश्चन को देखते जाओ, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया, आगे 64 होगा, और इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है, आपका आंसर 145 बनेगा, और ये आपके आंसर होंगे।
तो क्वेश्चन में जब छोटी छोटी संख्याओं का अंतर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो उस टाइम में क्वेश्चन में याद रखना वो क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाएगा और अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन के आंसर को बनाएंगे। लीजिए क्वेश्चन में अंतर जब बड़े बड़े ना दिखें तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर होगा और अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस को बनाना है और अपने आंसर को करेक्ट करना है। बताइए इसका आंसर। संख्या जब असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो प्लस करना है और संख्या जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो माइनस करना है। देखो भाई 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, आगे 15 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर 17 का हो जाएगा, फिर 19 का हो जाएगा। उन्नीस का हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में आप लोगों को दो दो के डिफरेंस पे आ रहे हैं। 110 में 11 माइनस किया तो 99 आ गया, 99 में 13 माइनस किया तो 86 आ गया। अब 86 में 15 माइनस करना है 71, तो 71 यहां पर होगा और ये आपका आंसर होगा। हां जी ज्योति तुमने अच्छा किया, मेरे बताने से पहले तुमने सॉरी बोल दिया है ना, नहीं तो मुझे लगता कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन नहीं आता, फिर मैं मुझे ये लग सकता था। एक क्वेश्चन और ले लो। बताओ वेटिंग फॉर योर आंसर। 98, 72, 10 में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में 14 का डिफरेंस है। अब यहां पे ऑर्डर जो चल रहा है वो 4 के गैप पे है, तो यहां पर भी वैसे ही होगा। 14 में 4 प्लस करोगे 18 हो जाएगा और 32 और 18 को प्लस करोगे 50 आ जाएगा। अब यहां पे डिफरेंस आपका 22 का मिल गया और यहां पे डिफरेंस 26 का मिल गया।
अब देखिए एवरीवेयर यू कैन फाइंड द गैप ऑफ प्लस फोर एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 50 बनेगा और ये आपका आंसर होगा। तो 50 यहां पर बनेंगे, 50 आंसर है और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है सब लोगों का? यहां तक पार्ट क्लियर है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर और अगले क्वेश्चन को देखो। ये कभी भी स्टार्टिंग के नंबर छोटे हो, और एंड यहां पे अगर बड़ी संख्या पे हो, कभी भी क्वेश्चन में पहली संख्या छोटी हो और एंड एक बड़ी संख्या पे आ रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में देर इज नन अदर रूल एक्सेप्ट मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी मल्टीप्लाई आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन में एंड अकॉर्डिंग अपने आंसर को बनाना है। सो इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट आगे इंटू नाइन आपको करना है, और जब आप इंटू नाइन करेंगे तो आगे आपको मिलेगा 30204 आपका आंसर। तो क्वेश्चन में कभी भी पहली संख्या, कभी भी क्वेश्चन में पहली संख्या आपको छोटी दिखे और अंत एक बड़ी संख्या पे जाकर हो, तो वहां पे सर की बात को याद रखना है। वो क्वेश्चन जो बनेगा वो मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड होगा। वहां पे ना तो एडिशन आपको यूज करना है, ना सब्ट्रैक्शन यूज करना है, ना डिवीजन वहां पे यूज करना है। वहां पे क्वेश्चन जब कभी भी आप बनाइएगा तो आप, हाँ, इसमें नंबर की जंपिंग एकाएक बहुत बड़ी हो जाती है। संख्या बड़ी बड़ी संख्याओं में बदलने लगता है, और बड़ी संख्याओं में बदलने का सिंपल सा मीनिंग होता है कि बड़ी संख्या तभी बदलेगी जब मल्टीप्लाई होगा। यानी एडिशन में बहुत जल्दी संख्या नहीं बढ़ेगी, इतने बड़ा बड़ा जंप जो है वो एडिशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एडिशन पे क्वेश्चन अगर होगा तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी संख्या से शुरुआत हो रही है और एंड एक बड़ी संख्या पे हो रही है। सिंपल आपके माइंड में वहां पर आना चाहिए कि वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के ऊपर होगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। क्लियर है? बोलो सभी लोग। बन जाएगा क्वेश्चन? बना लोगे? बोलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं तुम लोगों को चेक करने के लिए, या फिर बन जाएगा तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाता हूं। आप बताइए, दोनों चीज आप डिसाइड करें। अगर दो तीन चार क्वेश्चन आपको करना है तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं,
आपको लगता है कि आप आंसर बना लेंगे इन फ्यूचर, तो मैं क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट टाइप पे आता हूं। आप बताइए, जो आप कहेंगे वही होगा। क्वेश्चन दो, ठीक है, ये हो गया ना, आपके व्यूज मैंने ले लिया ना, तो अब मेरे लिए इजी हो गया कि यू वांट टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं। ले लीजिए कुछ क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या होगी पता है, मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मतलब इतनी श्योर चीज मैं तुम्हें करा रहा हूं कि तुम जो आंसर बनाओगे ना वो आंसर एग्जाम का फाइनल आंसर होगा। तो तुम्हें डिपेंड नहीं कर रहा हूं मैं ऑप्शन पे कि तुम ऑप्शन के बेस पे आंसर निकालना सीखो, तुम्हें मैं वो टेक्निक बता रहा हूं जिसमें तुम डिसाइड करोगे कि आंसर क्या है। इससे और कॉन्फिडेंस आता है और आप एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयार हो पाते हैं। ऑप्शन डिपेंडेंसी कोई अच्छी बात नहीं होती है। लो भाई, सिर्फ आंसर आंसर आपको भेजना है, सिर्फ आंसर भेजोगे और कुछ नहीं। एक साथ आंसर भेजना भाई, ऐसे अलग अलग नहीं भेजोगे आंसर, फिर मैं चेक नहीं करूंगा ना, बताने वाला हूं मैं कि आपने सही किया या गलत किया है। आंसर अलग अलग आएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। एक बार मुझे पांचों आंसर चाहिए और फिर मैं बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया है। तो प्लीज डोंट सेंड आंसर इंडिविजुअली, सब लोग एक साथ आंसर भेजें। और देखो, आशी का आंसर एक बार में आया है और इसने आंसर फर्स्ट का सही किया है, सेकंड का सही किया है। आशी थर्ड तुम्हारा, तुमने नंबर
देखो उल्टा लिख दिया है तुमने, अदरवाइज तुम्हारे आंसर सही होते। फोर्थ तुमने सही किया है, फाइव का तुमने नहीं भेजा है, तो थर्ड का आंसर एक बार तुम चेक कर लो। जल्दी भेजो, टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, तो एक एक सेकंड में बनने वाला आंसर है। अच्छा किया मैंने क्वेश्चंस करवा दिया तुम लोगों को, तुम लोग बहुत मतलब जिस स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में नहीं बना पाए। भाई एक साथ भेजो, संदीप क्या कर रहे हो तुम अलग अलग यार, एक लाइन में लिख दो ना आंसर, बस कॉमा लिखकर। चलो भाई मैं आंसर लिखूंगा, आप लोग अपने आंसर्स को मिला लेना और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 7 है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 13 है, थर्ड का 34 है, फोर्थ का 108 है, 252 है।
ये है करेक्ट आंसर। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल का क्वेश्चन का सबसे पहले वाला पार्ट घर पे जाके रिवाइज नहीं किया ना, यही दिक्कत वाली बात होगी एग्जाम में भी यहां पे भी। कभी भी रिवीजन अगर नहीं करोगे तो किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई और नहीं हो सकता है। कल पहले क्वेश्चंस में आप लोगों को कराया था कि जब पहली बार में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना मिले तो क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट और आपको ट्राई करना है। अब यहां पर 14 का डिफरेंस, यहां पर 20 का डिफरेंस, यहां पे 26 का डिफरेंस। अब आगे डिफरेंस देखिए कितने का निकलेगा। 6 का यहां पर आ गया है, 6 का यहां पर आ गया है, यहां भी 6 का होगा, यानी 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब लास्ट के इन तीनों संख्याओं को आपको ऐड करना है, 150 को, 70 को और 32 को आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर 252 बन जाएगा जो यहां पे लिखा है। तो पहली बार में कोई प्रॉपर ऑर्डर ना मिले तो आपको ये समझ जाना है आप लोगों को कि वहां पर एक सीक्वेंस और आपको ट्राई करना है एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को बनाना है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि संख्या ना तो एसेंडिंग ऑर्डर में दिखे और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, नहीं पढ़ो ना, मेरा क्या लोगे, और 2-3 साल लगाना, जॉब तुम्हें करनी नहीं है, अभी सोच रहे हो कि मम्मी पापा अभी जॉब में है ही तो अभी क्या करने की जरूरत है, अभी कोई घर पे जाकर रिवाइज नहीं किया, और जिसने रिवाइज किया सबका आंसर। कल मैंने लिखवाया था कि संख्या अगर बढ़ते हुए क्रम में भी ना दिखे और घटते हुए क्रम में भी ना दिखे, यानी अगर क्वेश्चन में ब्रेक आ रहा है सीरीज में तो ऑल्टरनेट क्वेश्चन में लेंगे, और ऑल्टरनेट वन पे 99% क्वेश्चन आता है, कल सब लोगों को बताया था मैंने, तो में से ज्यादातर लोग भूल गए। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, 2-2 के डिफरेंस पे ऑल्टरनेट आ रहा है, आपका आंसर 7 आ गया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी आप देखो सीरीज कॉन्टिन्यूशन में आपको नहीं दिख रही है, एक के बाद 2 बार 3-3 आ गया है, मीनिंग क्या, सीरीज ना तो एसेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस है, 13 और 21 में 8 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8 के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ रहा है, आपका आंसर 13 आ गया, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज है, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस है, 13 और 21 में 8 का डिफरेंस है, 21 और 31 में 10 का डिफरेंस है, आगे 12 का डिफरेंस होना चाहिए था अगर ये सीक्वेंस पूछा जाता तो। अब हमें क्या करना है, दूसरा सीक्वेंस ले लेना है। दूसरे सीक्वेंस में अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे सीक्वेंस में क्या बन रहा है, दूसरे सीक्वेंस में क्या आ रहा है। देखो भाई, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस, 13 और 22 में 9 का डिफरेंस, अब 3, 6, 9 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है, अब आगे कितने का होगा, 12 का डिफरेंस आगे होगा, 22 में 12 प्लस करोगे 34 आपका आंसर होगा, और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहां पे 34 यहां पे बनना था, और सब लोगों को मैंने कल सिखाया था क्वेश्चन में कि कभी भी ऑर्डर अगर क्वेश्चंस में आपको दिखे जो ना तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा हो ना ही घटते हुए क्रम में जा रहा है तो वहां पे ऑल्टरनेट वाला कॉम्बिनेशन लेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर को बनाएंगे। कितने लोगों का सही हुआ सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन किन लोगों ने सही किया,
क्लियर है? क्या करना चाहते हो, एक बार और क्वेश्चन दूं या आगे मूव करोगे? जल्दी बोलो, क्योंकि सिर्फ बढ़ने से आगे कुछ नहीं होगा, आना भी चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। वुड यू लाइक वन और टू फाइव मोर क्वेश्चन? जल्दी बोलो, पांच और क्वेश्चन करना चाहोगे तो मैं फाइव और क्वेश्चन आपको दे देता हूं। जल्दी बोलो, नहीं करना चाहते हो तो फिर शिखा, एक्यूरेसी तो बड़ी खराब है फिर तो, है ना? अच्छा, सिर्फ थर्ड रॉन्ग था या तीन रॉन्ग थे? तीन अगर रॉन्ग थे तब तो फिर है ना, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर सिर्फ तीसरा रॉन्ग था तब तो ठीक है, राहत की बात है, फिर तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं शायद सही सोच रहा हूं, तीसरा शायद गलत हुआ था, बाकी सब सही थे, है ना? अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो। अरे, कभी भी नंबर बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में दिख जाए, आपको तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। सर ने बताया है ऑल्टरनेट वाली सीरीज, अब इतना भी नहीं सोच पा रहे हो तो अब क्या करें सर? सारी चीजें बता रखी है, 10 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, इतना टाइम लगा रहे हो तुम तो। बोल, मेरा नाम बोल। अरे, उसे काम है, मुझे बुलाइए जरा। बोल दे, वेट कर रहे हैं सर।
बताओ जरा आप लोग। एक क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए दे दिया है कि इसमें आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था, बाकी किसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। फिफ्टीन और सेवेंटीन में टू का डिफरेंस है, सेवेंटीन और नाइनटीन में टू का डिफरेंस है, नाइनटीन और ट्वेंटी वन में टू का डिफरेंस है, आगे भी टू का डिफरेंस होगा, ट्वेंटी थ्री आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर 23, दो दो का बीच में गैप आ रहा है भाई। फर्स्ट का आंसर 23 होगा, आप सब लोगों ने 25 किया है, सभी लोगों के आंसर्स में
देख लो ध्यान से, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस, 17 और 19 में 2 का डिफरेंस, 19 और 21 में 2 का डिफरेंस, आगे 2 का डिफरेंस बनेगा, क्योंकि एक-एक के गैप में आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में 1-1 का गैप लेते हैं, तो आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 0 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, लेकिन आगे अब आप देखिए क्वेश्चन में, यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये इसको फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर क्वेश्चन में। तो आप क्या देख रहे हैं, हर जगह पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेट 1 वाला काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर सब लोग, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस आ गया, 17 और 19 में 2 का डिफरेंस आ गया, 19 और 21 में 2 का डिफरेंस आ गया, आगे भी 2 का डिफरेंस आएगा, 21 में 2 प्लस करोगे 23 आपका आंसर हो जाएगा। दो दो संख्या के गैप पर बन रहा है। तो अब चेंज हो गया, उस टाइम में मैंने कराया था क्वेश्चन, तुम लोगों ने देखा नहीं था क्या? एक का गैप नहीं बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है, शिखा 2 का गैप है बच्चे। तो यहाँ पे आंसर 23 मार्क करना, 23 आंसर होगा इसका, है ना? सही कर लो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, यानी 6 यहां पर भी, 6 यहां पर भी, 6 यहां पर भी, आगे भी 6 होगा, 27 और 6 प्लस करोगे 33 होगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 110 हो जाएगा। तो सेकेंड का आंसर 110 है, जो आप सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। यहां पर देख लो भाई, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है, 11 और 15 में 4 का डिफरेंस है, आगे 6 का डिफरेंस होगा, या फिर 8 का डिफरेंस भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शंस लेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6 भी हो सकता है, अगर 6 यहां पर हुआ तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर संख्या डबल होती जा रही है, बच्चे आपकी सुविधा के लिए ये चीज बता रहा हूं, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में जाएंगे। अगर 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, यानी अगर आपके ऑप्शन में 23 भी अगर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा इस संख्या को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर आप लोगों ने 21 लिखा है, यानी प्लस 6 किया है, मैं डाउट और बेनिफिट आपको दे रहा हूं और आपके आंसर को करेक्ट कर रहा हूं। तो 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहली संख्या बड़ी और उसका हाफ 2 बार, यानी 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, आगे 3 होगा, और आपका आंसर 15, 22, 225 हो जाएंगे इसके आंसर, 225 होगा, 225 राइट आंसर होगा। राहुल तुमने आंसर गलत लिख दिया है, 325 नहीं होगा, 225 होगा, और ये आपके आंसर। और इसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया गया है, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे, 19 हो जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 किया गया है, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 करोगे और आपका आंसर 42 होगा। सो 19/42 यहां पर बनेगा और ये आपके राइट आंसर होंगे। इस बार सही हुए आप लोगों के आंसर, सही था इस बार? बोलो भाई, करेक्ट हुए आंसर इस बार?
यहां तक पार्ट क्लियर है तो यस सर बोलो। यहां तक पार्ट क्लियर हो गया तो यस सर बोलो। चलो एक आध रॉन्ग होने दो, कोई बात नहीं। एक आध अगर रॉन्ग नहीं होगा ना तो फिर तुम लोगों को मेरी क्या जरूरत रहेगी। तो ठीक है, एक दो गलत होने चाहिए, बट ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी आ गई है तो अच्छी बात है ना। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने 4 सही किया था। अब इसमें एक तीसरा पार्ट है, मिक्स का, ठीक है, जिसमें लेटर और नंबर दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, यानी लेटर भी होता है और नंबर भी होता है। इसको देखिए आप लोग, M1F P3E S9D V31C, नेक्स्ट आपको बताना है, ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन में नंबर और लेटर एक साथ आ गए, एक बार पहले आप ट्राई करोगे, एक बार आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन दे दूं? अब बताओ। संदीप ऑप्शन दे दिया है, अब बताओ।
देखो भाई, इस क्वेश्चन में 13, 16, 19, 22, वाई, एफ ई डी सी बी। अब यहां पे क्वेश्चन में ये आ गया, थ्री में टू से मल्टीप्लाई, नाइन, थर्टी वन, ये बनेगा भाई। सो वाई 129 बी यहां पर बनेगा आंसर। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसके सीक्वेंस जल्दी आपको ध्यान में नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एंड ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन को आप लोगों को जिसने देखा हुआ होगा वही इस क्वेश्चन के आंसर को बता पाएगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में ये स्ट्राइक नहीं होता है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसा ही दे रहा हूं, इसको भी आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, क्यू वन एफ एस टू ई क्यू वन एफ एस टू ई यू सिक्स डी यू सिक्स डी डब्ल्यू 21 सी डब्ल्यू 21 सी। नेक्स्ट आपको बताना है। ऑप्शन है Y44B, Y88B, Y60B, Y72B। ठीक है ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया, यानी यहां पे हमने क्या किया, वन को वन से मल्टीप्लाई करके प्लस वन किया तो टू हो गया, टू को टू से मल्टीप्लाई करके प्लस टू किया तो सिक्स हो गया, सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करके प्लस सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करके प्लस थ्री किया तो
21 आ गया। अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 84 होगा, प्लस 4 करना है, आंसर 88 बन जाएगा यहाँ पे, और आपका आंसर y 88 बी हो जाएगा। यानी दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको बनाना था, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनेगा। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन को, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, लो एक क्वेश्चन और। तो लेटर्स और नंबर साथ आएंगे, तो वो मिक्स वाला क्वेश्चन होगा। टू जेड फाइव सेवन वाई सेवन 14x9 23w11 नेक्स्ट बताना है आपको, ट्राई कीजिए। बन गया। अब 27 में 5 का डिफरेंस आ गया, 714 में 7 का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस आएगा, आगे 11 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा 34, 34 आ गया। अब 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 9 में 2 का डिफरेंस, 9 11 में 2 का डिफरेंस, आगे भी 2 का डिफरेंस आ गया, यानी 34 13 आपके पास आ गया। अब z से पहले y, y से पहले x, x से पहले w, w से पहले v होगा, 34 v 13 आपका आंसर बनेगा, और ये आपके राइट आंसर होंगे। क्लियर है, आया समझ में? बोलो भाई सब लोग, क्लियर था? एक क्वेश्चन और देखो इसका, एक और देखो।
बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अरेंजमेंट में थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है आपको। देखो एक बात तो श्योर है, तुम लोग बढ़िया आंसर कर रहे हो और ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो आपके एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो रहा है कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं और आप सही तरीके से क्वेश्चन को कर पाने की पोजीशन में आप लोग हो। अब आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान दीजिए सब लोग। यहां पर 10 है, यहां पर 11 है, यहां पे 9 है, यहां पर 8 है और यहां पे 13 है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में मैं आप सब लोगों को मैंने सिखाया था कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को बनाएं और क्वेश्चन में कभी भी एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको ना मिले, यानी नंबर ना तो एसेंडिंग ऑर्डर में मिले ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, तो 99% क्वेश्चन जो होगा वो अल्टरनेट के बेस पे जाएगा। अब देखो 10 में 1 माइनस किया तो 9 हो गया, 9 में 1 माइनस किया तो तुमने 8 हो गया। अब यहां पे संख्या 11 है, यहां पर संख्या 13 है, बट नेचुरल 11 और 13 के बीच में 12 आना चाहिए, यानी 12 एल की पोजीशन है, आपने एल कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, जेड यानी 26 है, यहां पर 24 है, यहां पर 22 है, यानी दो दो माइनस होता जा रहा है, यहां पर 20 आएगा और 20 टी की पोजीशन हो जाएगी। एल और टी दो जगह पे आ रहे हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब नंबर को चेक करना जरूरी है, दो और चार में दो का डिफरेंस है, चार और सात में तीन का डिफरेंस है, आगे चार का डिफरेंस होगा, सात में चार प्लस करोगे कितना हो गया, दो और चार में दो का डिफरेंस आ गया, चार और सात में तीन का डिफरेंस आ गया, अब सात चार 11 हो जाएगा, यानी एल 11 टी आपका आंसर बनेगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर आ रहे हैं और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ज्यादातर बच्चों ने इसके आंसर सही किए हैं, ज्यादातर लोगों ने इसको सही बनाया, एक आध लोगों से आंसर बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, बट यस प्रोसेस अच्छा है, ये जरूरी है। क्लियर? क्वेश्चन बना लोगे? अब तीनों पार्ट के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग? अब तीनों पार्ट के क्वेश्चन आप लोगों से आराम से बन जाएंगे। वैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप लोग, लेकिन अब ये श्योर हो गया कि अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इसका और आप आसानी से बना लेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लो।
बताओ। देखो बढ़िया आंसर बना रहे हो आप लोग, है ना। अब सोचना नहीं है, टेंशन नहीं करनी, बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। 14 है, 11 है, 5 है और 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 14 और 11 में 3 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस लोगे, 11 में 3 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, यानी एच की पोजीशन आ गई। यहाँ पे भी -3 हो गया, यहाँ पर भी -3 हो गया, यानी पहले वाली संख्याओं में आप लोगों ने 3 का डिफरेंस आपने लिया है। सेकेंड वाले में आप देखिए, यहाँ पर 22 है, यहाँ पे 20 है, यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। 20 में 2 माइनस करोगे 18 होगा, एच और आर आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए, दो जगह पे एच आर आपको दिख रहा है। अब संख्या को आपको पिक करना है। 5 में 2 प्लस करोगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करोगे 10 हो जाएगा। 7 में 3 प्लस किया 10 हो गया, 10 में 4 प्लस किया 14 हो गया, 14 में 5 प्लस किया 19 हो गया, यानी एच 10 आर आपका आंसर बनेगा और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सो एच 10 आर इज द राइट आंसर। स्टूडेंट व्हाट यू से नाउ, दिस पार्ट इज क्लियर? आर यू फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी? कुछ भी अगर आपको अभी तक ऐसा लगा है कि अब प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आएगी, इनफैक्ट मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्ट, सारी चीजें हम लोग शेयर कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि अब आप क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन कंफर्टेबली बनेगा आपसे और आपके आंसर भी 100% सही होंगे। So we have successfully finished series topic today, and yes, हाँ, thank you तो बनता है, बिल्कुल बनता है भाई आप लोगों का, और कहना भी चाहिए आप लोगों को। तो next week अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले week, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और ठीक है, तो सब लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से, एग्जाम को इस बार निकालिए। पहली बार में एग्जाम क्लियर करने का मजा ही कुछ और होता है, तो ये चीज आप लोग जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना है। बुक का नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी, अभी तैयारी, अभी जो जो टॉपिक अभी चल रहे हैं, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो। इतनी जल्दी प्रैक्टिस के लिए बुक का नाम नहीं बोलना है मुझे, है ना। अभी थोड़े से और टॉपिक्स निकलेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं। अभी जितनी चीजें आप कर रहे हो उसको आप करते रहो, आगे फिर देखेंगे। देखो नेक्स्ट वीक ही मेरी क्लास होगी, मैं एवरी मंडे और ट्यूसडे ही सिर्फ अवेलेबल हूँ, तो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे ही मैं आप लोगों को मिल पाऊंगा। रेस्ट ऑफ द डे अनदर टीचर विल बी हेयर, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।